नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पिज्जा। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे, हमारे चैनल का नाम है मेकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन। चलिए तो आप लोगों बताते हैं, इसके लिए आपके लिए ना तो माइक्रो ओवन की जरूरत है, ना आपके लिए ओवन की जरूरत है, ना ओटीजी की। आपको ले ये आप तवे पे भी बना सकते हैं और नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, और आपके पास डोसा तवा है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आधा केजी हमारे मैदा लिया हमने, 20 ग्राम हम इसमें ईस्ट डालेंगे, 20 ग्राम शक्कर डालेंगे, 10 ग्राम सॉल्ट डालेंगे, 2 ग्राम ग्लूटोन पाउडर डालेंगे 2 ग्राम। इससे वाइट होती है ब्रेड, अगर ये है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हमने इसमें मैदा डालेंगे, ये हमारे हमने 1 टीस्पून सके स्पून सॉल्ट डाल दिया है, ग्लूटेन पाउडर डाला 2 ग्राम, ईस्ट डाल दी, 1 ग्राम पानी डालेंगे। तो हमारा इस तरीके से लगाना है, पानी ज़्यादा नहीं करना है, और इसको हम थोड़ी देर अच्छे से मैश करेंगे। और फिर हम इसको अच्छे में मैश करने के बाद इसको हम आधा घंटे के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये उठ सके, जैसे खमीरा उठता है इस तरीके से फूल जाएगा आटा। तो उसके बाद इसको हम बेलेंगे। तो चलिए जब तक हम सॉस बना लेते हैं। हमने टमाटर को उबाल लिया था, ब्लांच कर लिया था, और इसका हमने चॉप कर लिया है, देखिए। और ऑनियन चॉप, गार्लिक सीजनिंग रखी है, और सारी सीजनिंग हमें पिज्जा में भी लगेगी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। वेजिटेबल लगेंगे जो कि हमने लंबे लंबे काट लिए हैं। मसाला सॉस वो बना लेंगे हम। पहले हमने ऑयल डाला, 2 टीस्पून पत्ता डाला है, और इसमें थोड़ा सा हमने क्रश पेपर भी डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने गार्लिक डाला, गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन होगा उसके बाद हम ऑनियन डालेंगे। 1 टीस्पून हमने प्याज, 2 टेबल स्पून हमने प्याज डाली। तरीके से हमारा जैसे ब्राउन हो गया, अब इसमें हम जो टमाटर हमने आपको दिखाया कि हमने चॉप करके रखा था, ये डाल देंगे। करीब हमने 250 ग्राम टमाटर लिया था, और इसको हमने उबाल लिया था, छीलने के बाद इसको हमने चॉप कर लिया है। तो चलिए इसको हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। हल्का सा इसमें हम बटर डालेंगे, करीब 50 ग्राम हम इसमें पानी डालेंगे, ताकि हमारा अच्छे से पक सके। और इसमें अगर आप लोगों के पास टमाटर प्यूरी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप हल्का सा टमाटर केचप ऐड कर दीजिए, तो उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप डाल दिया, उससे कलर अच्छा आ जाएगा। और घर में हर किसी के पास टमाटो प्यूरी नहीं होती है। टमाटो केचप डालने के बाद इसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं, इसमें शक्कर भी डलती है। 1 टीस्पून हमने व्हाइट पेपर डाला, हमने ऑरिगेनो डाला, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर डाला, ये ऑरिगेनो है, नमक, ब्लैक पेपर क्रश, थाइम, व्हाइट पेपर और चिली फ्लेक्स। हल्का सा ऑयल डाल के हम सब्जी सोते कर लेते हैं। लंबे लंबे ये शिमला मिर्च है, ऑनियन, ग्रीन कैप्सिकम, थोड़े से टमाटो बाद। अगर हम माइक्रो ओवन में या हम सिलेंडर के अंदर बनाते तो इसका हमें टॉस करने की जरूरत नहीं है वेजिटेबल की, इसलिए हम आपको नॉन स्टिक में बना के दिखाएंगे, इसलिए हमें इसको टॉस करना पड़ेगी वेजिटेबल के लिए। वेजिटेबल हमें हो चुका है, इसमें हल्का टमाटो डाल के इसको हम निकाल लेते हैं, हो चुका है, और इसको हम बेल लेते हैं। इस तरीके से हम बना लेंगे। तो नीचे हम मैदा लगा लेंगे और फिर हम बेलेंगे इसके लिए, इस तरीके से बेल लेंगे। कटर है तो आप इससे भी काट सकते हैं, जैसे गोल बेल लीजिए एक जैसा। इस तरीके से हम पॉक कर लेंगे इसके लिए, पॉक से इसमें छेद कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, और इसको हम 10 से 12 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम पकाएंगे और फिर हम इसको सेकेंगे पिज्जा को इसी में। तो चलिए जो रोटी बनाई उसके हम सेक लेते, तरीके से हम नॉन स्टिक में डाल देंगे। चलिए इसको हम पका लेते, थोड़ी लो फ्लेम में पकाएंगे। ऐसे पक चुका है तो हम इसको पलटी कर लेते हैं, तरीके से हमारा बेस पक चुका है। और देखिए हमने सॉस लगा लेते, पूरे में लगा लेंगे सॉस, और जो हमने वेजिटेबल सोते करके रखे थे वो डालेंगे इसके ऊपर। वेजिटेबल है, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे इसमें, ये देखिए, और ये हमने इसमें वेजिटेबल लगा दिए, और थोड़ा हल्का सॉल्ट डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, हल्का काली मिर्च पाउडर क्रश डालेंगे, वाइट पेपर, और ये मुजरोला चीज़ है जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से मिलती है, चीज़ लगा देंगे हम,
इलेक्ट्रिक मुजरोला चीज है, वो खाने में अच्छी लगा अच्छी लगती है और ज्यादा डालने से बहुत बढ़िया बनता है पिज्जा हमारा। तो ये देखिए हमने मुजरोला चीज डाल दी है। चलिए अब इसको हम बैक कर लेते हैं। हल्का सा हम इसमें ऑर्गेनो ऊपर से डालेंगे और ये चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, व्हाइट पेपर एंड सॉल्ट पेपर। देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। हमने जिस साइड से सिका था उस साइड पे हमने सॉस लगा लिया है और जिस साइड कच्चा था उसको पलट के उस साइड रख दिया तो वो सिक जाएगा। तो चलिए जिस साइड से हमने पहले सेका था उस साइड हमने सॉस लगाया, चीज डाली और वेजिटेबल डाला और हमारा पिज्जा 5 से 7 मिनट में पक जाएगा। लगा देते हैं मसाले, आपको हम पहले ही बताते। चिल्ली फ्लेक्स डाला हमने पिज्जा के ऊपर टॉपिंग में, व्हाइट पेपर, ऑरिगेनो, सॉल्ट, थाइम और क्रश ब्लैक पेपर। चीज मेल्ट होने लग गई इसकी तो थोड़ी देर में पक जाएगा ये। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने सेका था इस साइड से लगाई थी चीज, तरीके से मेल्ट हो चुकी है चीज। इसका माइक्रो ओवन भी बना सकते हैं, तवा भट्टी पे भी बना सकते हैं और नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। तो हमारा पिज्जा रेडी है, चलिए आप लोगों को काट के दिखाते हैं। मुजरोला चीज का पैकेट आता है ये देखिए और यह मार्केट में आसानी से मिलता है, तो इसी का आप पिज्जा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही चीज आप यूज करें पिज्जा के लिए। देखिए हमारा पिज्जा पक चुका है, चलिए इसको हम काट लेते हैं के तौर पे। और ये हमने ऑलिव डाल दी, कितना क्रिस्प पिज्जा है देखिए, वाह नाइस। और तरीके से हम एकदम बढ़िया दिख रहा है, सर्व कर सकते हैं। तो हमारा पिज्जा रेडी है और देखिए काट भी लिया हमने। शेप नहीं हो लेकिन